सद्गुरुदेव जय पद शरण श्री यश रूप चरण शरण जय सद्गुरु। ज्यादातर व्यक्ति होता क्या है कि परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है, सन्यास ले बैठते हैं। सन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। सन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत लोगों से तो बनता नहीं, और जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। हमारे यहाँ सहजता है, वह कठोरता है। कठोरता से अपने मन को साधते हैं, इस अभ्यास में दबाव रहता है, और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं भाई लोग। ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, जो दुश्मन है इस रास्ते के, वो समूल नष्ट नहीं हुए रहते और टॉर्मेंट हो गए होते, दब गए होते। पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। और जब ये संसार की सेवा करने आते हैं तो फिर उन्हीं चीजों से संपर्क होता है जिसको छोड़ के गए थे। तो ऐसे पढ़ता है, विख्यात सन्यासी महात्मा थे, अमेरिका चले गए, हिंदुस्तान छोड़ दिया, अमेरिका पहुंच गए, वहां आश्रम खोल लिया। तो बड़ी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। और ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है जो ऐसा होता है, और संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसको बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव है, प्रेशर, जैसे किसी स्प्रिंग को आप दबा के रखें, जब तक दाबे हैं दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। अभ्यास में शुरू से ही प्रेशर है, और प्रेशर का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। तो ये सारी बातें, ये सब सोच समझकर जो काम करें, बहुत सोच समझकर करें। सोच समझकर सन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए, और खासकर उन लोगों को जिनकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, उन्हें तो सन्यास की बात कभी सोचनी ही चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, गृहस्थ छोड़ के चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन हजार पीछे 999 सफल होते हैं, ना उनकी दुनिया रहती ना दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, ना इधर का रहा ना उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर लिया, ये उनके लिए रास्ता नहीं। जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है, उनके लिए तो संन्यास से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा और करोड़ों का भला करेगा। हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं, ये धारणा है हमारे। और बहुतों की धारणा ये है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तो भगवान का नाम लेंगे, अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाए पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, आदें इतनी मजबूत हो जाती है कि उन्हें बदल नहीं सकेंगे, शरीर भी जवाब देने लगता है, आप बैठ नहीं सकेंगे, ध्यान करने की बात, परमात्मा का नाम लेने की बात तो लग रही बहुत गलत है। लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करने का कोई फायदा नहीं, परमात्मा का नाम लें, अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है, फिर नहीं होगा, जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा, राजा जनक को विदेह कहते थे।
कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों के उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था और राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो आप हम क्यों नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं। मन में धारणा आनी चाहिए कि हमें वो रास्ता पकड़ना है, ब्रह्मज्ञानी बनकर दिखाना है। तो ये रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। क्या है इस रास्ते में, इसे इति मार्ग कहते हैं। अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, वो क्या है, परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। अब परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपनी जिंदगी में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीक महर्षि उल्टा नाम जपते जपते ने इतने ऊंचे महर्षि हो गए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। और आप लोग जानते कि कैसा उनका जीवन था। उनके जीवन में जैसे ही परिवर्तन आया, उल्टा नाम जपते जपते भगवान का इतना ऊंचे ब्रह्मज्ञानी हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ऐसा प्रकाश, ऐसा उजाला है। अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, जो आज आपकी जिंदगी में है, जिंदगी है, उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने हमारे वाले जो सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर थी, बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को न केवल प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। जीवन मुक्त अवस्था हमारा लक्ष्य है, चाहे हम सन्यासी हो, चाहे ग्रस्त से करें, चाहे कर्म से करें, चाहे ध्यान से करें, ज्ञान मार्ग से करें। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद। खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। दूसरी बात क्या है कि जो उसके कर्म हैं वो निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, स्थित प्रेग कहिए, जीवन मुक्त कहिए, में पैदा हो जाती है। अब देखना यह है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी दुनिया के सारे काम करते हुए कैसे परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, जिन्होंने जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को अपनाए तो हमारा रास्ता आसानी से तय हो जाए। इन संत महात्माओं ने इस पूरे साधन को तीन भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से तीन भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 8 घंटे का ध्यान आपका अपना होगा, 8 घंटे परमात्मा की याद। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 में से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे अपने लिए। और साधन का तीसरा स्टेप पूरा करने से निरंतर परमात्मा की याद बनी रहेगी और सच्ची निष्काम कर्मता आपको प्राप्त हो जाएगी। अभी मैं साधन की पहली सीढ़ी आपके सामने रखूंगा जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है, ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है।
और कर्म करने का अधिकार दिया है, कर्म करने का। और जितनी भी योनियां हैं सारी भोग योनियां हैं, और ईश्वर ने मौका दिया इसका, इस अवसर का पूरा पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव साधन धाम मोक्ष कर द्वार पैन जय पर लोक सवार। ऐसी मनुष्यों ने जो हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, इसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रतिशील हों तो परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अवसर हमें ईश्वर ने दिया, इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सबने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा हर की भक्ति कर तज विषया रस चौच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवा के गुरुदेव कहा करते थे, और बड़ी सुंदर बात कहते थे कि विषय वासना के आनंदी मिथ्या जन्म बिगार, मान जन्म गरीब ने फिर कर ले हरी से प्यार। तो ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया जो ग्रस्त में हुए, कि चाहे आप ग्रस्ती हैं या सन्यासी, आपको आधा घंटा संध्या वंदन और आधा घंटा सायकाल प्रातः और सायकाल करनी चाहिए। हमारे देश में 99% परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। यदि हम पूछें आपको इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो चार बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई हमारे घर में मंदिर है, ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं, गॉड फियरिंग है, अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम ये पूछें कि इससे कोई आंतरिक लाभ हुआ, पूजा का मतलब आंतरिक लाभ से है, अगर आंतरिक लाभ नहीं हुआ तो उस पूजा का कोई फायदा आपको नहीं है। तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका बताते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और ऐसा तरीका उन्होंने हमारे सामने रखा, अपने अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बताई है तरीका आपके सामने रखूंगा। संसार में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, दो श्रेणी में इनको बांट दिया गया। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन सब होते हुए आज तक दोनों कायम। ऐसी बात यह है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूरत से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वो ऐसाकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वह निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया, क्या जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति ऐसी है जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको अपनाए, उसी को अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें। ऐसा नहीं कभी आप कृष्ण की पूजा करें, कभी राम जी की पूजा करें, कभी मां की पूजा करें। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा।
दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, ऐसी हालत जिनमें विचार शून्यता आ जाए। और जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो, पूजा कैसे करें, कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वक्त बदल कर बैठे, अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर बैठे और कल्पना करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। काल्पनिक तौर से कल्पना कीजिए, और फिर कोई भक्ति भाव भरा भजन गाएं तो क्या होगा, आपके वैर मुखी विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद ध्यान करेंगे अपने इष्ट देव का तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर मुहूर्त बनाएं, जब बाहर वो मुहूर्त स्पष्ट हो जाए आपके इष्ट देव की, अपने हृदय में उतार लीजिए उसको। जैसे हनुमान जी को देखा होगा आपने, अपने हृदय में उतारिए, इतने प्यार से बैठाइए, ना कोई दूसरा विचार रह जाना ख्याल, उसी में तल्लीन हो जाइए। ध्यान का मतलब बहुत सिंपल तरीके से आपको बतलाता हूं, ध्यान परमात्मा की गहरी याद ध्यान है। जैसे जैसे गहरी याद होती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी ध्यान का मात्रा बढ़ता चला जाएगा, कोई गैर चीज का नाम नहीं है, और बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से किया जाता है। परमात्मा की गहरी याद, अगर कम गहरी याद है तो कम ध्यान है, ज्यादा गहरी याद है तो ज्यादा ध्यान है। स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भाई ध्यान से पढ़ो, ध्यान से रास्ता पार करो, ध्यान से ये काम करो। जितने ध्यान से आप करेंगे उतना ही इंप्रेशन दिमाग पर आपका बनता चला जाएगा। दिमाग जो है एक स्पंज की तरह, जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता चला जाएगा आपका डीप इंप्रेशन दिमाग के ऊपर बनता चला जाएगा उस चीज का। और उसी की जरूरत है कि जो राम का नाम है उसका इंप्रेशन हमारे डीप दिमाग के अंदर बस जाए, इतना बसे कि उसके आगे हमें किसी चीज की ना चिंता रहे ना विचार रहे, इतना डीप होना चाहिए ध्यान। मस्तक स्पंज की तरह है, बहुत सारी नर्व्स है इसके अंदर, बहुत सारे एरिया दिए हुए। अब होता क्या है कि जितनी गहरी चोट उतनी गहरी याद, जितनी गहरी अगर आपको सांसारिक चोट लगी है, दुनिया की सारी बातें आज तक हमको याद नहीं है। जितनी गहरा चोट उतनी गहरी याद, कभी भी याद आने लगती है तो क्या होता है कि वो जैसे कंप्यूटर में एक चिप होता है, वो चिप दिमाग के अंदर आ गया कि जी फलाने के साथ ये ऐसा हुआ था, इसकी वजह से हमको है ना ये परेशानी हुई थी, जब देखेंगे तब फ्लेयर अप हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम परमात्मा का नाम लेके, एक नाम लेके हम अपने दिमाग पे राम ठोकते हैं। आधा घंटा राम का नाम जपा हमने, चाहे माला से जपा चाहे किसी चीज से ठोका नाम, उसके बाद फिर राम का नाम लिया ठोका, जितना समय देते चले जाते उतनी ठोकाई करते चले जाते दिमाग के अंदर। और आखिरी टाइम पर जो नेक्स्ट हम जन्म लेंगे, जितनी ठुकाई आपने नाम की होगी उसी के अनुसार आगे आपका संस्कार बन जाएगा। और यही चीज साथ जाती है और कोई चीज साथ नहीं जाती, सबसे बड़ी बात बहुत जरूरी है, ठोकिए राम राम राम। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।